दिस सेशन अगेन, सो वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि जो जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, तो इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम यूनिफॉर्म मोशन की ही बात कर रहे हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग वेलोसिटी अगर हमें मिलता है, अलग अलग डिस्टेंस कवर होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, सो विद दैट लेट मी शेयर द पेंट पिक्चर। सो वी वर हियर, आई होप कि ये वाला जो डिस्कशन था वो आपको दिखा होगा जिसमें हमने स्क्वायर्स बनाए थे। नहीं नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन वॉज कि फर्स्ट टू आवर्स, अभी ये ग्राफ दिख रहा है ना आपको, और पेंट का स्क्रीन दिख रहा है ना, ओके, तो अब से क्या करेंगे, वी विल कंफर्म वेदर द क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे द क्वेश्चन दैट वी सॉल्व बिफोर, वी विल जस्ट डू इट अगेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉर टू आवर्स द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, देन फॉर द नेक्स्ट टू आवर्स इट इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन फॉर द नेक्स्ट टू आवर्स इट इज ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो वॉट वी हैव टू डू इज टू कैलकुलेट डिस्टेंस सेपरेटली, ओके। तो हमें फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो मैं आपको यूनिट में बार बार क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी इक्वल टू के इस बाजू में जो यूनिट होगा ना वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, किलोमीटर, ओके, ठीक है, और अभी के लिए आप इसको भूल जाओ कि इसकी यूनिट किलोमीटर है, हम लोग यूनिट ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, ओके, ओके, किलोमीटर पर आवर, ओके। टाइम की यूनिट क्या है बताओ, इस ग्राफ में टाइम की यूनिट क्या दिया हुआ है, आवर, आवर्स, ओके, तो वन आवर, हाँ आवर्स, ओके, एनी नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो यूनिट से हम जब बात करते हैं ना तो हम क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं, हम कौन सा फिजिकल डिमेंशन है, क्या वो टाइम है, क्या डिस्टेंस है, क्या स्पीड है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके और नंबर के बीच में बहुत फर्क है, हमने डायमेंशन लेस नंबर्स की बात की थी पहले, तो उसको नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिमेंशंस की बात करेंगे। तो आवर केवल आवर को ही काट सकता है, समझ रहे हो ना, आवर किलोमीटर को नहीं काट सकता है, समय समय को ही डिवाइड जब करेंगे तो काटेगा, तो फाइनली हमारा क्या यूनिट बचा, इज इट क्लियर कि फाइनली हमें हमारा क्या यूनिट बचा, किलोमीटर में बचा। तो कैन यू नाउ कैलकुलेट एंड टेल कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, वो इसकी एरिया होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू आवर्स है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। जब इसकी हाइट 50 किलोमीटर पर आवर थी, टू आवर्स थी, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टू आवर्स उसने कितना दूरी कवर किया होगा, 100 वॉट, 100 क्या, किलोमीटर पर आवर नहीं यार, किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आवर होगा क्या, पर आवर स्क्वायर नहीं। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का केवल किलोमीटर ना हमने यहाँ पे काटा है ना, आवर एंड आवर,
यूनिट्स ओके आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग और इसमें मैं बार बार जो है मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आपको कंफ्यूज करते रहूंगा ताकि आपको कभी यूनिट में कभी प्रॉब्लम ना हो ठीक है. काफी लोग इसमें गड़बड़ करते हैं और मार्क्स लूज करते हैं एग्जाम में. मैथमेटिकली सब सही कर देते हो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन सही करते हो बट यूनिट एकदम सही होना चाहिए. ओके सो ये क्या है 100 किलोमीटर है ठीक है. अगेन आई एम शोइंग यू क्या है किलोमीटर पर आवर को आवर से मल्टीप्लाई किया तो हवर और आवर कट गया है ठीक है और किलोमीटर बचा है. ओके और यहाँ पे जो है तो फिर से क्या है ये 2 आवर्स है ठीक है. और यहाँ की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस क्या होगा 120 किलोमीटर राइट. अभी फिर से ये 2 आवर्स है ठीक है लेंथ इसका और इसका जो हाइट है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है ठीक है. तो उसका कितना होगा अभी डिस्टेंस 80 किलोमीटर. क्या अभी एक सबके लिए क्लियर हो गया ये ग्राफ? यस ठीक है. यस भैया इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस भैया. ओके तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 100 प्लस 120 प्लस 80 किलोमीटर दैट इज 300 किलोमीटर ठीक है. तो हमने पहला क्या सीखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ठीक है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है डिस्टेंस. इज इट क्लियर? यस भैया. ओके सो व्हेन यू हैव एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस देन हमें क्या करना पड़ेगा उस ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है. और वो जो ग्राफ है ये तो बहुत सिंपल ग्राफ है और यही यूज करके हम लोग बहुत सारे चीजें कैलकुलेट करते हैं. सपोज कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है ठीक है तो वेलोसिटी उसकी चेंज होती जाती है उसका ग्राफ कैसे भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी हो सकता है लेकिन जब हम उसके नीचे का पूरा ये एरिया कवर करेंगे तो हमें वो डिस्टेंस दे देगा. तो वो सारी चीजें हम लोग जब आइजैक न्यूटन का जो एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर है कैलकुलस ओके डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस करके दो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं ठीक है. उसमें क्या है कि ये जो बड़े बड़े रेक्टेंगल्स है ना उसके जगह पे हम एकदम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स आप देख पा रहे हो ना आप उसको उसके मदद से हम कर सकते हैं. जैसे अगर हम जूम इन करेंगे ठीक है भैया ये बड़े बड़े रेक्टेंगल है वैसे ये एक छोटे छोटे रेक्टेंगल है ठीक है ना ये दिख रहा है ना ये छोटा सा ये इन सबको ऐड करके हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं ठीक है ना. तो ये भी एक तरीका होता है. तो उसके बारे में हम लोग अभी बाद में 11 12th में आप इसके बारे में और पढ़ोगे कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है. बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम्स विल गिव डिस्टेंस. ओके तो डिस्टेंस टाइम सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों एक्सिस के वैल्यूज को और इसका नीचे का एरिया निकालोगे ठीक है तो आपको क्या मिलेगा आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ठीक है. तो ये हमने पहला चीज सीखा. ओके नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज एक्सेलरेशन. ओके ठीक है सेम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है ठीक है. और मैंने ये एग्जांपल एक दिया था चलो उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ कि मान लो कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो यानी कि 20 थी ठीक है. मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ ठीक है. फिर एक गाड़ी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 थी और फिर वो 2 घंटे में उसकी वेलोसिटी जो है 40 हो गई ठीक है. जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर मैं ग्राफ को और थोड़ा क्लियरली बना देता हूँ ठीक है कि 2 घंटे में उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 में कन्वर्ट हो ओके. जस्ट टू बी क्लियर. ओके 20 थी और वो 2 घंटे में उसकी जो ग्राफ है वो 40 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है
प्लीज ये ध्यान रखो, क्या ये अभी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? टेल मी इज दिस अ यूनिफॉर्म मोशन? नो. व्हाई? यस. इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई? किस किस को लग रहा है कि यस है, इट इज यूनिफॉर्म मोशन, और किस किस को लग रहा है कि नो, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन? टेल मी. It's not a uniform motion because speed is changing. Very good. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है? With time changing, the velocity or speed itself is changing. Okay, जब velocity और speed जब वो अपने आप ही change हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको non uniform motion में गिनना पड़ेगा. और suppose if the velocity is changing, that means what is happening? समझो गाड़ी में जब हम ऐसे करते तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? Can you use that word? Yeah. Very good. Acceleration. Okay. ठीक है, let us define first acceleration. Okay. And I am not giving you the unit now. उसको आपको देखना पड़ेगा कि acceleration की unit क्या होगी. वो क्या है? Change in velocity. Okay. Divided by change in time. Change in time. Okay. ठीक है, तो अभी आपके पास जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आपको सारे यूनिट्स पता है वेलोसिटी के और टाइम के. ठीक है, नाउ कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट? ये जो एवरेज एक्सेलरेशन उसका कितना है, कैलकुलेट कर सकते हो? कैसे कैलकुलेट करोगे भैया? इज द आंसर 10 किलोमीटर आर स्क्वायर. 10 किलोमीटर्स. What? 10 kilometers r square. Is it multiplied by r square or divided by r square? Miss Bhaiya, divided by. Very good. Are you? Is everybody clear about that? Yes. It is 10 kilometers per hour square. ठीक है. कैसे? लेट अस कैलकुलेट. ओके, तो हमें फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? हाँ. ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसी को हम ब्रैकेट में लिखेंगे. टेन आएगा भैया, टेन आंसर आएगा. हाँ, टेन तो ठीक है, बात आंसर वैल्यू ढूंढने की नहीं है, बात यह है कि आप साथ में यूनिट कैसे सही ढूंढते हो. ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. भैया आर्स आर्स तो कट जाएंगे ना. कैसे कटेंगे? देखो अभी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी फॉर टाइम. वैल्यू इधर मैं लिख देता हूँ. इसका यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर, राइट? ओके, ठीक है, ये ऑलरेडी एक डिवाइडेड बाय आवर है. ओके, और ये फर्दर हम लोग इसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, डिवाइडेड बाय कितना आवर्स था? चेंज इन टाइम क्या था? 2 आवर्स. ओके, तो ऐसे जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कटेगा नहीं. आई थिंक वी हैव टू क्लैरिफाई द मैथ्स रिगार्डिंग दैट. ओके, तो जब हम ये डिवाइड हो रहा है ना तो उसको जब उल्टा करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चले जाता है. यानी जैसे ये आवर बाय 1 है, ठीक है, तो जब हम रिवर्स में लेंगे, जैसे इसको हम ऊपर लेंगे पूरा, तो जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई जब करते हैं ना तो यूनिट पलट जाता है. ओके, लाइक दैट इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक. दैट मींस हमें यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय आवर बचेगा. इज इट क्लियर?
आवर को फिर से हवर में डिवाइड करते हैं तो हम लोग दो बार आवर से डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, हम लोग टाइम से दो बार डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम क्या होएगा, डिवीजन नीचे स्क्वायर्ड में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, 20/2 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। भाई आई हैव अ क्वेश्चन। या किलोमीटर के नीचे आर कैसे आया, 40-20 किलोमीटर, क्योंकि वो किलो उसकी यूनिट क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की यूनिट ही वही है ना, पर आर ना, हाँ किलोमीटर पर, किलोमीटर पर, हाँ हुआ ना, इट विल बी 20 किलोमीटर पर आर ना, मतलब एक आर, हाँ सी 40-20 किलोमीटर पर आवर है ना, इनकी यूनिट तो सेम है। हाँ भैया सेम है उनकी यूनिट। ओके तो किलोमीटर पर आवर हो गया। और हाँ ये भी याद रखना कि जब तक सेम यूनिट नहीं होगा तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो अगर अलग यूनिट होगा, सेम यूनिट का ही आप एडिशन कर सकते हो, इसका मतलब है आप 5 किलोमीटर और 5 किलो को ऐड नहीं कर सकते हो, किलोग्राम को, ठीक है, या 10 मिनट और 10 किलोमीटर को आप ऐड नहीं कर सकते हो, आप बस 10 मिनट और 5 मिनट को ऐड कर करके 15 मिनट कर सकते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होगा टोटल 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ओके पर आवर, अगेन इट इज डिवाइडेड बाई 2 आवर्स, ओके तो 2 और ये कट के फिर 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, आवर स्क्वायर हो जाएगा। आर यू गेटिंग क्लियरली व्हाई इट इज आवर स्क्वायर? यस भैया, कैन यू एक्सप्लेन स्क्वायर? देखो आवर स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये जो किलोमीटर है ना, ठीक है, आप ऐसे समझो ये दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है, किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, ये तो क्लियर है ना, आप लोग यस बोल के जाओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ। एक एक लाइन में बोलता हूँ उसके बाद आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, ये क्लियर हो गया ना? यस। ठीक है। हाँ। अब किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, ठीक है, तो ये वेलोसिटी का यूनिट है, ये क्लियर हो गया ना? हाँ। ठीक है। अब वेलोसिटी को फिर से हम लोग टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टाइम से एक बार नहीं दो बार डिवाइड हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है? हाँ। ना ठीक है। yes. तो उसलिए जा करके ये आवर का स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? ओके भैया। ओके आप मैथमेटिक्स में एक बार जाके आप लोग एक बार कीजिएगा, एक बार समझो कि कैसे फ्रैक्शंस का डिवीजन होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, पहले हमने डिस्टेंस बाय टाइम लिया, अब डिस्टेंस बाय टाइम को फिर से टाइम से डिवाइड किया, ओके सो आवर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, लेंथ यानी कि एल का मतलब क्या है, इसका डिमेंशन क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, ओके दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपको एक वैल्यू याद आएगा, अगर आपने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्या, पहले कभी पढ़ाया है ग्रेविटेशन चैप्टर? यस। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको याद है कुछ? यस भैया, इट इज द पुल ऑफ ग्रेविटेशन। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ओके कोई और प्लेनेट का नहीं, अपने धरती की ग्रेविटी का ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इज इट क्लियर? ठीक है, आप इसका यूनिट देखो, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिख रहे हैं,
यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आप कंपेयर करके देखो, मीटर तो लेंथ का यूनिट है, क्लियर, और सेकंड टाइम का यूनिट है, क्या ये मैच नहीं हो रहा? ये और ये, कैन यू सी दैट, ये दोनों मैच हो रहे हैं? ओके, सो व्हेनेवर देयर इज एक्सेलरेशन, इट कैन बी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट उसका डिमेंशन क्या होगा? Length upon time square. Is it clear? Change in length by change in time. उसका फिर से change in time हो रहा है, ठीक है? आप इसलिए इसको कहते हैं rate of change of velocity. ठीक है, इसे कहते हैं rate of change of velocity. ठीक है, that is acceleration. Is it very clear? Yes, bhaiya. Okay, is everybody clear about what is acceleration? Yes, bhaiya. Anybody have any doubt? Bhaiya, I have one doubt. Yeah, tell me. Bhaiya, wo 9.8 kya? हाँ, acceleration कैसा है भाई, वो समझ में आया। वो हम लोग, वो आगे हम लोग force के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अभी के लिए मैं बस remind कर रहा हूँ। अर्थ की जो ग्रेविटी है, जब हम अर्थ का फोर्स का इक्वेशन लगाते हैं और न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उससे वो वैल्यू आएगा, तो वो हम लोग आगे और दो तीन क्लास के बाद उसमें जाएंगे। अभी के लिए मैं बस इसलिए उसको मेंशन किया क्योंकि वो वैल्यू का, एक्सेलरेशन का वैल्यू बार बार यूज होगा आपके कैलकुलेशन में, ठीक है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका पूरा डेरिवेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी उसको आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग उसकी वैल्यू खुद कैलकुलेट करके डिराइव करेंगे, ठीक है ना? और रीचेक करेंगे, हमें ये नहीं मानना है कि जो न्यूटन ने बोला सही है, ठीक है? हम लोग तो अभी क्या पता, न्यूटन के जमाने में धरती अलग थी, अभी धरती बदल गई हो, तो हम लोग न्यूटन के फॉर्मूला को भी चेक करेंगे, ठीक है? तो साइंस का एक मेन मकसद होता है कि हम किसी भी चीज को केवल किसी ने कह दिया इसलिए उसको रियल नहीं मानेंगे, ठीक है? हम लोग जितना हो सके उसको टेस्ट करके ही मानेंगे, ठीक है ना? तो वन वे टू लुक एट इट कि हम जो भी फॉर्मूला दिया है उसको हम खुद एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करके देखें, ठीक है? तो कैन वी डू सम मोर प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है? समझो अभी एक और गाड़ी है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन जो है जीरो में स्टार्ट हो रही है, ठीक है? यानी गाड़ी अभी बस शुरू हुई और यानी कि बस एक ही घंटे में, सॉरी ठीक है, दो घंटे में उसकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 तक पहुंच गई, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में पहुंच गई, ठीक है? तो कैन यू नाउ कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सेलरेशन? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, वेरी गुड, सो दैट इज किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा ये 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम यूनिट का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगा एक्सेलरेशन? कैन यू डू इट यूजिंग अ कैलकुलेटर? ओके, आंसर कैन यू गेस व्हाट इज द आंसर? ओके, लेट मी गिव यू सम क्लू, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर्स, ठीक है? 1000 मीटर्स, ओके, एंड 1 आवर इक्वल टू मीटर 3600 सेकेंड्स, 60 into 60 है ना, क्योंकि 60 मिनट आता है और फिर से 60 सेकंड्स करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स, तो 30 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होगा? हाउ विल यू कैलकुलेट? 3000 होगा, 30 सेकंड्स, इट विल बी 30 into 1000 मीटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय
सेकेंड का स्क्वायर ना 3600 इंटू 3600 सेकेंड स्क्वायर 30,000 मीटर. इज इट क्लियर नाउ? मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये एक्सप्रेशन क्लियर है सबको? यस भैया. ओके 30 मैंने जो भी मीटर किलोमीटर था उसको मीटर में कर दिया और जो 1 आवर था उसके जगह 3600 सेकेंड लिखा और 2 बार है तो सेकेंड स्क्वायर हो गया. ठीक है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब जीरोस डिलीट कर सकते हैं ना. ठीक है सो इट इज 3 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36. तो इसको भी अगर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है सो वी कैन गेट इट एज डेसिमल में आएगा ना कुछ 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 36 क्या होगा 360 390 420 426 432. राइट हाँ 432 यस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी नो नीड नॉट कैलकुलेट इट इन डिटेल बट आपको आइडिया लग गया ना कैसे यूनिट्स का चेंज करना है करके. यस Is everybody able to understand? Yeah. Okay. That means 30 kilometer per hour square equal to 1 by 432 meter per second. Okay. So this is one way to calculate acceleration. Okay. ठीक है. अभी मैं चलो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं चीजों को. ठीक है नाउ सपोज ओके विच इज शुरू में जो गाड़ी है वो जीरो में थी. ठीक है उसने 2 घंटे तक उसकी जो गाड़ी है वो बढ़ाते बढ़ाते 30 तक वो लेके गया. ठीक है ना उसके बाद उसने 3 घंटे तक जो है उसने 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला. ठीक है फिर उसके बाद वो 1 घंटे में ही उसने वापस से रुक गया. ठीक है इज इट क्लियर क्वेश्चन? यस यस. ओके नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 3 थिंग्स. चलो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज 2. ओके ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा है बट लेट अस अज्यूम कि ये 5 है ये 2 है. ओके तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये 3 अलग अलग फेज हैं ए बी एंड सी. ये 3 अलग अलग पार्ट्स है ना ग्राफ के. यस सो यू हैव टू कैलकुलेट acceleration for the all the 3 different places and distance. Okay with this graph find acceleration and distance for A B and C. Okay can you find, give it a try. Easy hai question, thoda aapko sochna padega bas. डिस्टेंस कैसे करोगे वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. यू कैन टेक यूज ऑफ ज्योमेट्री टू फाइंड द डिस्टेंस. स्पीड मीटर एक्सेलरेशन स्ट्रेस. ठीक है डू यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? यस व्हाट इज दैट? हीरोन्स फॉर्मूला नहीं चाहिए इसके लिए और सिंपल वाला भी है ना. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाफ इनटू हाइट इनटू बेस. बेस इनटू हाइट ना तो वो आप यूज करके
जस्ट आई एम गिविंग यू द हिंट कि आप उसको यूज करके आप लोग जो है डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो कैन यू कैलकुलेट ए बी एंड सी का, और शुड आई गिव दिस एज होमवर्क एंड लेट अस प्रोसीड फर्दर. ओके, आई एम जस्ट चेकिंग दिस होमवर्क. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट कॉपीइंग इट एंड आई एम पुटिंग इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, तो आपको ए बी सी का ये पूरा कैलकुलेट करना है. ओके, सो विद दैट लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द बुक और आगे का हम लोग और देखते हैं. ठीक है, तो हमने ये चीज देख ली थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे करना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अभी हमने अभी जो ग्राफ देखा था उसमें क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. ठीक है, जब ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन है, प्लीज सी द डिफरेंस. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू. इज इट वेरी क्लियर? तो जैसे जैसे टाइम, अगर यहाँ पे देखोगे 0 और 5, ओके, 5 सेकेंड्स में वेलोसिटी 0 to 8 गया, तो डिफरेंस क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 5 to 10 के डिफरेंस में 8 से 16. ओके, अगेन द डिफरेंस कितना है, 8. 16 से 24 के बीच में डिफरेंस कितना है, अगेन 8. 24 से 32 के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है वेलोसिटी में, 8. ठीक है, सो ईच एंड एवरी मोमेंट और एवरी 5 सेकेंड इंक्रीमेंट, यानी कि टाइम जैसे जैसे 5-5 सेकेंड बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी 8-8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ती जा रही है. सो कैन यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, टेक एनी 2 पॉइंट एंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, it's very easy. Just take the first, like first, these 2 points. Take this point, okay, as final point, and this is the initial point. So, can you calculate the acceleration? What will be the acceleration? 1.6 meter per second square. Very good, very good. Okay, so the right answer is 1.6 meter per second square. That is change in velocity, that is 16 minus 0 divided by change in time, that is 10 minus 0, and the unit is 1.6 meter per second square. Now you understand, right? Why? क्यों unit सही बताना जरूरी है? क्योंकि यूनिट अगर चेंज हो गया तो चीज ही बदल गई. ठीक है ना, एक्सेलरेशन अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है. ठीक है, तो वो बताना बहुत जरूरी है कि यूनिट क्या होता है. ठीक है, कौन से चीज का क्या यूनिट है. ओके, नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ वी सी दैट द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल्स, दस दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मूवमेंट. सो हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंज इन एवरी 5 मिनट्स. ओके, सो वी कैन कैलकुलेट दैट. We can take that as homework because ये तो 30 seconds के लिए आपको पता है, तो आप 6 से multiply कर सकते हो. ठीक है, for sorry every यानी कि 10 से multiply कर सकते हो, तो आपको 5 minutes का पता चल जाएगा. Okay, that is one thing. And for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. क्योंकि ratio ले रहे हैं ना, change in velocity by change in time. जब वो दोनों ही बराबर movement में हो रहा है तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी मे हैव एनी स्लोप डिपेंडिंग ऑन हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम. ठीक है, फ्रॉम यानी कि वो जो स्लोप है वो चेंज हो सकता है. ओके, कि कभी एक्सेलरेशन ज्यादा था, कभी एक्सेलरेशन कम हो सकता है. ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ गिवन इन फिगर 1.8 वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार बिटवीन the 10th and 20th second as we did in the train for previous example. Okay, so this part which we are calculating the distance, right, isi cheez ko maine abhi aapke homework mein diya hai. Okay, right, so let us, if you finish the homework then we will come back to this question
and you will see that ki our homework was actually very much similar to the question that is given below. So we have just 1 minute left. So if you have any questions, you can ask. So or we can continue the discussion in WhatsApp. Bhaiya, is there any graph like that from that we can count the time? See, time to diya hi already x-axis mein. Okay. So we from the given graph, if you see the x-axis, we will get the time. Okay, but in the equation we might have cases where time is not given. So for that you have to use the formula. But graph में हमेशा आपको x-axis में time मिलेगा. Okay? So if there is no other question, then we will proceed. आप अभी जो answers जो है homework आप submit कर सकते हो.